हाँ जी सलाम अलैकुम बाबू जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैंने पूछ रहा था कि बाजार साहब घर पे है? घर पे नहीं है इस वक्त। आपको कोई काम है जी? बस काम भी यही था कि मैंने पूछ रहा था कि काफी देर हो गई है मार्केट में उनकी कोई किताब छप के नहीं आ रही। तभी अभी तो हफ्ता दो हफ्ता लगेगा उसको छप के बाहर आने में, छप रही है। काफी नुकसान हो जाएगा जी, मगर वजह क्या है? बस वो पब्लिशर ने अभी पिछले पैसे ही नहीं दिए तो। खैर क्या आप मदा हैं उनकी किताबों के? भाभी जी मैं तो उनकी कोई भी किताब जो होती है वो तो छोड़ते ही नहीं उठेगी। अच्छा आप जैसे बस लोगों की वजह से कि उनकी हौसला अफजाई की वजह से ही तो अदीब जिंदा रहता है। ना ना ये ना कहें, आपके जो शौहर है ना वो बदले ही बड़े अच्छे हैं, उनके लिए हमारे दिल से दुआ निकल जाती है कि या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारी उम्र भी इनको लगा दे, इनको खजर की उम्र दे दे ताकि ये हफ्ते में महीने में 8-8, 10-10 किताबें लिख के तो मार्केट में फेंक दे। अच्छा खैर खैर ये बताएं कि कौन सी किताब आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? यूं तो भाभी जी उनकी सारी किताबें जितनी भी हैं उनमें से आम मस्कीनों को गरीब लोगों को कुछ ना कुछ बड़ा हासिल होता है, मगर वो एक किताब है उनकी पिछले महीने जो छपी है, गमे रोजगार। हाँ जी वही जोमे रोजगार। हाँ वो बड़ी प्यारी किताब है जी। वो मोटी सी थी ना? हाँ जी वही वही वही। हाँ वही। अच्छा तो उसमें क्या अच्छा लगा आपको? भाभी जी उसका कागज बड़ा प्यारा है, मुलायम बिल्कुल, बड़ा अच्छा कागज, आला दर्जे कागज। हाँ जी आपको उस किताब में से कागज अच्छा लगा? जी जी बड़ा आला। नहीं तो उसकी तहरीर के बारे में क्या ख्याल है? तहरीर जी? हाँ। ये कौन होती है? किताब पढ़ते नहीं आप? भाभी जी अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो मैं इस तरह रद्दी खरीदने का कारोबार तो ना करता ना।